नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। लूटपाट करने का बदला तरीका और अंधेरा, कर्मियों के साथ की गई धक्का मुक्की, ऑटोमोबाइल उसके मालिक को किया गया गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लूटपाट करने का बदला तरीका, वर्धा में जितनी सूझबूझ से नागरिक अपने आर्थिक व्यवहार करना सीख गए हैं, उतनी ही चतुराई से अब बगैर मेहनत के नागरिक से लूटपाट भी करना सीख चुके हैं। अब केवल तरीका बदल चुका है। इसी साइबर लूट अवस्था में ऑनलाइन धोखाधड़ी नाम दिया गया है और लोन ऐप के लूटपाट के एक नए चक्रव्यूह में नागरिक आसानी से फंस रहे हैं। मोबाइल लोन ऐप के जरिए नागरिकों को आसानी से छोटे छोटे कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं, परंतु एक भी हफ्ता चूकने पर संबोधित व्यक्ति के रिश्तेदार को परेशान किया जाता है। उन्हें अश्लीलता से गाली गलौज पर फोटो भेजकर बदनामी की जाती है, साथ ही धमकियां दी जाती है। बदनामी के डर से उनके सामने से लोन लेने की सारी प्रथाएं भी शामिल की जाती है। ऐसे मामले में पिछले एक महीने से डेढ़ वर्ष से नियंत्रण बढ़ रहे हैं। अनेक नागरिक इस लोन ऐप का शिकार होकर लाखों रुपए गंवा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी रहने की अपील साइबर क्राइम ने की है, साथ ही क्योंकि इस बारे में इलाके जान में फंसने पर नुकसान के बगैर व्यक्ति बाहर नहीं आता है, ऐसी भी अपील की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की, वर्धा जिले में जलापूर्ति करने को लेकर हुए विवाद में दो लोगों के मजारपिंग कर्मचारियों से मारपीट की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णराव निकम यासिद मेघर परिसर में जलमयबत के नल से पानी छोड़ने का काम किया गया था। पाइपलाइन लीक होने से पांच दिनों से परिसर में जलापूर्ति बंद की गई। छठवें दिन तहसील में खराब दूरी होने के बाद कदम जलापूर्ति के लिए बैठ थे। इसी समय परिसर निवासी सुनील मोगड़े हेमंत मोहड़े उससे विवाद किया। पानी नियमित क्यों नहीं छोड़ते, ऐसा कहकर मुक्की करने जाने से मारने की भी धमकी दी गई। इस परिसर में खलबली मच गई। शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आठ मोबाइल और उसके मालिक को किया गया गिरफ्तार। सेलू शहर के पुलिस थाना क्षेत्र में गुम हुए मोबाइल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन महीने में आठ मोबाइल ढूंढने में सफलता हासिल की है। इसके पूर्व नानबीन में प्रज्वल ठाकरे सेलू के प्राधन सलाम, सेलू के चंद्रशेखर धुनले, नागपुर के शेख अशफर, दहेगांव के विनोद देशमुख, धींगान के जय सिंह और जबलपुर के संगीता कदम, वांटखेड़े कलमा के सीमा उमाड़े ने मोबाइल गुम होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इसके आधार पर गुम हुए मोबाइल की तलाश कर उसके मालिक को लौटाया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरल हसन अकबर, पुलिस अधीक्षक सागर कावड़े, एमपीडीसीएम प्रदेश मुकेश के मार्गदर्शन में की गई। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाय, ट्विटर और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।